की बात है कि कराची की बेटी कराची आ रही है, जरा उसके बारे में डिटेल में जानना चाह रहे थे कि दुआ जहरा कब तक कराची पहुंचेंगी, दुआ जहरा को कौन रिसीव करने के लिए जाएगा, कब उनको अदालत में पेश किया जाएगा और ज़रा डिटेल बता दीजिए। एक तो तमाम कराची के और पूरे सिंध के लोगों को मुबारक हो कि मैंने बड़े तबन उल्लास में कहा था कि अपनी बच्चियों और लेकिन तरीका नहीं है कि बच्चियों को पहला फसला करके ही गायब कर दिया जाए, फिर उनके बड़े बड़े बयान दिलवाए जाएँ। और मैं पाँच सारे लाखों में थोड़ी सी मायूस भी हुई तो मुझे हमारे से पुलिस से रास्ते में कहते थे मैडम आप परवाही करें तो अब ये करके रखेंगे। और बहुत सारे मौकों पे मुझे पंजाब पुलिस से बड़ी नाउम्मीदी रही, लेकिन सिंध पुलिस ने मेरी हिम्मत ख़त्म नहीं होने दी और सख्त से सख्त फैसला भी था आपने देखा से। लेकिन इसके साथ साथ मैं हाईकोर्ट की बहुत मजबूर हूँ, उससे पहले सेशन कोर्ट में भी और हाईकोर्ट में भी इस तरह से सपोर्ट किया है और इसको चाइल्ड मिसिंग रहा और मैं जो सख्ती रखती हूँ वजह से आखिरकार मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा, मैं दोबारा कह रही हूँ, आज फिर कह रही हूँ, बार बार मैंने कहा कि अपनी बात पर कायम हूँ कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है और बहुत सारे लोग इसमें गिरफ्तार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें मुलविस हैं और ये पूरा एक ग्रुप है जो अपने पेपर तैयार रखता है, मुझे आदि निका कर देते हैं और इस तरह के डरना मैंने इस बात में दिलगुल्ला भी कह दिया था। इस तरह के डमी लोग जो हैं वो करते हैं जिनसे शादियाँ करें और यहाँ तक भी मालूम हुआ है कि ये UAE जो है रशिया देते हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जिससे खुलेगी और बहरहाल ये जरूरी उठा रही है आज रात पहुँचेंगे। अच्छा शेरा साहब ये बताएं कि ये गैंग में कोई खवातीन थी? बिल्कुल बिल्कुल, देखें आप एक नया इतनी सपोर्ट थी कि पूरे मुल्क में कभी हम सुन रहे थे कि बालाकोट में है, कभी हम सुन रहे थे डी आई खान में, फिर सुना कि डी आई खान के अलावा इधर भी मानसहरा में भी सुना, फिर उसके बाद वापस सियालकोट में रहिएगा और वो उन्होंने ऐसे ही किया और अभी भी खड़े हैं। हमने अभी भी बताया कि अभी बहुत सारे सबक याद करके वो आएगी जिन्हें वहाँ लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह उनकी पहुँच गई है और मैं जब तक रहता हूँ इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं हर बच्चे के लिए इसी तरह कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं चाहते कि अखबार तक बात पहुँचे, तो बहुत सारे केसेस हम इसी तरह कर रहे हैं। अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल ये कि आप इसी पर जाएंगे तो ज़्यादा को उसी चीज़ें कि आपने पुलिस को बस पुलिस को जो है ना जरा देखे, उस दिन इमरान खान का जलसा था कुछ था तो पुलिस ने इतना कंसर्न नहीं शो किया, अगर उसी दिन बच्ची की तस्वीर लेके गए थे हब चौकी को और 12:30 बजे बच्चे गायब हुए, 3:30 बजे पहुंचे तो हब चौकी तो चलो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर सिंध का बॉर्डर बंद कर देते थे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये वीडियो डेडिकेटेड है जी तमाम यूट्यूबर्स के लिए जिन्होंने मेरी बेटी के लिए कैंपेन चलाई, सच के लिए उन्होंने साथ दिया, सच को रिवील करने के लिए उन्होंने मेरी बेटी के लिए व्लॉग्स किए, मैं उनका भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा। इसमें कुछ नाम मैं स्पेशली लेना चाहूँगा, सबसे पहले ये कैंपेन शुरू हुई ज़फ़र अब्बास साहिब JDC, उसके बाद मैडम शहला रज़ा। मेरा ख्याल है कि अगर कोई हस्ती इस अल्लाह पाक के बाद मुझे किसी ने सही तरीके से इस सारे चीज़ में सपोर्ट किया तो वो मैडम शहला रज़ा थी, अगर वो ना होती, अल्लाह उन्हें वसीला ना बनाता तो शायद ही पॉसिबल ना होता। उन्होंने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा और मेरी बेटी समझकर उन्होंने जो किरदार अदा किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने का। सेकेंडली उनके बाद सिंध गवर्नमेंट का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूंगा, चेयरमैन साहब का, मुराद अली शाह साहब का, इसके अलावा सिंध पुलिस का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूंगा, SSP ज़ुबैर साहब का, ग़ुलाम नबी मेमन जो न्यूली अपॉइंटेड IG हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, करीम खान DIG साहब और IO सईद, क्योंकि वो इस केस में उन्होंने भी बहुत मेहनत की,
इसके अलावा जिस जिसने मेरी बच्ची की रिकवरी के लिए कोशिश की, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा, खसूसन सबसे एंड पर और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट जज साहिबान मोजेस, जज साहिबान सिंध हाई कोर्ट, जिन्होंने इस केस को के लिए भरपूर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। मैं यकीनन सबसे ज़्यादा शुक्रिया उनका अदा करूँगा, बड़े तमाम कौम का शुक्रिया, सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी बच्ची की रिकवरी के लिए दुआएं की। आप सब लोगों का, चाहे वो किसी भी फील्ड से थे, चाहे वो यूट्यूबर्स थे, चाहे वो मीडिया पर्सन्स थे, चाहे वो सोशल मीडिया था, जो जो कैंपेन्स जिन्होंने जैसे जैसे हाथ उठा के दुआएं की, मैं उन सब का यकीनन मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अल्लाह पाक आप सबको अजर अजीम अता करे। मैंने आप सबको ये मुबारकबाद देनी थी कि मेरी बेटी रिकवर हो गई है, आप सबको मुबारक हो।